जैसा कि राखी ने खुलासा कर दिया है कि आदिल का अफेयर दूसरी लड़की के साथ चल रहा है और उस वजह से इनके घर में जो माहौल बिगड़ा है वो अभी तक बिगड़ा हुआ है। आदिल समझने की कोशिश नहीं कर रहा, लगातार राखी उसको समझा रही है, राखी के दोस्त समझा रहे हैं, उसके दोस्त उसको समझा रहे हैं और हमने खुद आदिल को समझाने की कोशिश की लेकिन हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। राखी हमारे साथ है, खुलासा करेंगी कि राखी ने पिछले 15 दिनों में क्या क्या भुगता है। राखी, खुदा कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना करे। जैसे मैं बिग बॉस मराठी से बाहर आई तो मेरी माँ जो है वो कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी। वाहिद भाई, जाने से पहले 10 लाख रुपए का चेक मैं देकर गई थी आदिल को कि आदिल प्रोडक्शन में वो डालेगा और जब मेरी माँ को जब कभी भी कोई भी पैसों के खर्च की जरूरत होगी वो देगा। छोटे मोटे खर्च उसने दिए होंगे भाभी को। वाहिद भाई, मैं कैसे आपको कहूं कि एक बार मेरी माँ दम तोड़ ली हॉस्पिटल में, बैंक में अकाउंट में पैसे होने के बावजूद इसने मेरी माँ के खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मैं रादिल प्रोडक्शन में मैं चेक देकर गई थी भाई, मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको बेसिकली आज का जो माहौल है, आज जो मैं बता रही हूँ का खुलासा किया, मैं सब मैं सब बता रही, सब बता रही, सब बता रही हूँ। तो मेरी आज मेरी माँ कैसे मरी? आदिल खान दुरानी की वजह से मरी। उस वक्त टाइम पे मेरी माँ का एक छोटा सर्जरी था, उस वक्त पैसा दे दिया होता, मेरा ही पैसा, उसका अपने, वो तो एक भिखारी है, उसके पास तो कुछ ही नहीं है। जब आया तो मैंने उसको सब कुछ दिया भाई, क्योंकि अभी मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। फोटो जो आपने खुलासा किया है, वो लड़की कौन है, क्या तालुकात है उसके आदिल के साथ? उस लड़की का नाम है तनु, तनु लड़की का नाम है भाई। तो मैं मराठी मराठी बिग बॉस में थी तो मेरे ऑफिस में आती थी, मेरे घर के नीचे भी आई, घर में भी आई, उसका वो इम्पीरियल हाइट्स में रहती है और इन दोनों का अफेयर मेरे ही लोगों के साथ, ये उसको अवार्ड देने लेकर गया, हालांकि लड़की ने कोई काम नहीं किया। आदिल ने उसको पटाया, लड़की ने उसको पटाया, दोनों में आई लव यू हुआ, दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात हुए। इनके होटलों के बिल मेरे पास है, इनके एयर जो उड़ते हैं एयरवेज के, इनके सारे प्रूफ मेरे पास है। तो आप पुख्ता तौर पर कह सकती हैं कि आदिल का रिलेशन है इस लड़की के साथ? मैं 1000% कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको दे देती हूँ, आप सुना दीजिए। उस लड़की को मैंने पूछा, आपको शर्म नहीं आई कि एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम अफेयर कर रही हो? तो मेरा दिल ला गया, दिल ला गया। और आदिल तुमको अपनाएगा 100%, आदिल मुझे छोड़ेगा 100%, मैं आपको ऑडियो दे देती हूँ। आदिल से बात हुई? आदिल से मेरी बात हुई, आदिल कह रहा है कि यस मेरा अफेयर था, मेरे से गलती हो गई, बट मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरा कचरा मैं साफ करूंगा। मैंने उसे वक्त दिया भाई, सुनिए आप, मैंने उसे वक्त दिया। उसने, मैं आपको कुरान का वीडियो आपने देखा? जी हाँ, एक वीडियो है हमारे पास जहाँ पे आदिल कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहा है। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन आदिल पहले राखी की सुनते हैं। कुरान शरीफ पे हाथ रखा, मैं चुप बैठी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कुरान शरीफ पे हाथ रख के भी उसको मिलने जा रहा है, उसके साथ रह रहा है, उसके साथ सो रहा है। मैं बीवी हूँ, तो आज मैं बीवी हूँ। आज की परिस्थिति क्या है राखी, क्या आप आदिल के साथ है या अलग? वो मुझे छोड़ के चला गया, वो लड़की के साथ, उसने मुझे कहा, वो लड़की ने उसको फोन कर करके इतना बोला, राखी को मार, राखी को मार, राखी को मार। कल जब आपके आप घर पहुंची तो आपको क्या देखने को मिला, मुझे बता दीजिए। मैं घर पहुंची तो मुझे ये देखने के लिए मिला कि अपना सारा सामान लेके जा चुका था, साथ में 4-5 लाख कैश और मेरी माँ के जेवर, आपके आपके घर से, मेरे घर से, मेरे पर्स, बड़ा पर्स गोल्डन, और तिजोरी भी है वहाँ पे एक छोटी सी रखी हुई कि कभी ये मेरी माँ के लिए रखे थे कि कभी यू नो बैड टाइम्स के लिए मेरी माँ के लिए काम आएंगे, लेकिन मेरी माँ। तो अब आप अपने लोगों को ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या बताओ भाई, राखी और आदिल अभी भी एक है या अलग हो गए? अलग हो गए, वो बीवी के लिए रखेल के पास चला गया है, वो बीवी के बीवी को छोड़ के वो तनु के पास चला गया है। कानूनी सहारा लेंगी आप? कोई कानूनी सहारा लेंगी? मैं सारे कानूनी सहारे लूंगी। वो उसके पास चला गया है, वो उसके घर में रहता है, अलग घर लिया है, तो ये सब कुछ वो सारे मेरे पैसे हो गया कि अभी इस वक्त आदिल इनके साथ नहीं है, राखी आदिल के साथ नहीं है,
सब तमाम कानूनी ऑप्शन जितने भी हैं वो राखी उसका उपयोग करेंगे। क्या इसीलिए मैंने निकाह किया था? जब निकाह किया तभी उसने उसकी एक मानी हुई बहन है शैली, उसको बुलाता रहे मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ, इसको सिडू बनाऊंगा, इतनी बड़ी औरत से कौन शादी करेगा, 7 साल बड़ी, इतनी बड़ी। और मैंने बोला मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मुझसे क्यों शादी करना? तो बोलता हमारे में सुन्नत है, हमारे जो क्या बोलते वो पैगम्बर जो थे उन्होंने मैं बड़ी औरत से शादी करी थी, तो हमारे में सुन्नत है। राखी यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आदिल आपको बोल रहा है तो आपको अपनी सफाई के लिए मैंने आपके बोल दिया, निकाह किया, मुझे धोखा दिया उसने। बहुत बुरा वक्त है राखी के ऊपर। आदिल फिलहाल इनको छोड़ के जा चुके हैं अपने समाज में। सब देखा वीडियो, आरोप है उस पर ये कि उसने तकरीबन 4 लाख रुपए कैश और कुछ जेवरात राखी के घर से लेके गए। राखी, मैं नमाज पढ़ रही थी एक दिन, इस लड़की का फोन आता है और उसने पूरा कांच का, कल मेरे घर में आए थे नमाज पढ़ के, उठने के बाद जानमाज रखा है वहाँ पे, उसने मुझे मारा। नमाज में कौन मारता है यार? राखी हम सब आपके साथ हैं, आप संयम रखें, सब ठीक होगा, कानूनी पूरे ऑप्शंस आपके पास। कौन साथ देगा मेरा? सब साथ देंगे, सब जितने तमाम लोग ये जो देख रहे हैं। ये तो कहते हैं मैं ड्रामेबाज हूँ, नहीं, इसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप ड्रामेबाज हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम सब जान चुके हैं। अब आदिल ने आपको धोखा दिया, जो पिक्चर्स अब देख रहे हैं जो लड़की के साथ अफेयर की बात सामने आ रही है, आप पिक्चर्स देखो, आप ऑडियो सुनो, लड़की साफ कह रही है। और इसके और कर्नाटका में इतने केस है, रोशना दिलेक ईरानी लड़की ने भी इस पे केस किया, जो इसकी 5 साल से गर्लफ्रेंड थी, उसको शादी का झांसा देके रखा था और उसके गंदे गंदे वीडियो बना के वायरल किए हैं। आपने केस देखा है वो? बिल्कुल, मैं कहीं झूठ बोल रही हूँ? मैंने सारे केसेस देखे, सारे एफआईआर की कॉपी देखी और जहां जहां इनको बेल मिला है आदिल को वो भी मैंने देखा। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? आदिल अगर आपके पास कल आता है और माफी मांगता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो मेरी मुझे माफी ना मांगे, वो मीडिया में जाए, सच्चाई बोले अफेयर का। मेरा मुझे सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए, स्टार बनने के लिए, मेरे 1.5 करोड़ लिए, मेरे पास सारे चेक सब कुछ है, एक भी मैं एक शरीर को क्या आत्मा भी मेरी निचोड़ ली। अगर वो कल माफी मांगता है मीडिया के सामने और आपसे, तो क्या राखी सावंत उसको माफ करेंगे? अभी तो मेरा मन नहीं है, अभी मैं बीवी हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। सबसे ज्यादा धक्का लगा है भाई, कुरान पे हाथ रख के आप उसके पास जा रहे हो, कुरान पाक, जब ये मुसलमानों के वो खुद ऐसा गलत कर रहा है तो हम जैसे लोग, काफिर जैसे लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे बिलीव करेंगे, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं समझ सकता हूं। और हम यही दुआ करेंगे कि आप लोगों के बीच में वापस पैचअप हो जाए, जो भी नाइट के पास दूर हो, वो लड़की जो आपकी जिंदगी में आई है वो नहीं जाएगी। जब मेरी माँ मर गई, जिस वक्त मेरी माँ मरी, मेरी माँ को मोक में रख के आए बर्फ में, उस दिन मैं घर में आती तो इसके शरीर पर मैं आपको फोटो देती, लव बाइट्स, मेरे पे क्या गुजरेगी कि माँ को मैं बोलू कहाँ हो, आ रहा हूँ करके, होटल में है रेमेडी मेरे पास होटल का। जिस दिन मेरी माँ 28 को मरी, 28 को बुकिंग, ये लोग होटल में बॉडी में लव बाइट्स लेकर आए, हमारे में हाथापाई हुई, माँ मेरी मरी है, तुम लव बाइट्स लेकर आ रहे हो? ये सब खुलासे पहले क्यों नहीं आप मीडिया के पास आए? औरत हूँ यार, पुलिस में गई आप? यार मैं एक बीवी हूँ, मैंने उसको मौका दिया सुधरने का, वो नहीं सुधर रहा। आप पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोग कहते हो कि मैं घर का मामला बाहर लाती हूँ और फिर बोलते पहले क्यों नहीं बोला, अभी बोल रही हूँ ना। चलिए, क्या गुजर रही है मुझ पर, मैं जानती हूँ। कर दिया है राखी इन सब चीजों को लेकर, तो मुझे उनकी माँ ने, उनकी आंटी ने उसे बहुत समझाया, बेटा इस्लाम में तूने अभी शादी करी है तो निभा ले, वो लड़की को छोड़ दे, माँ बाप का भी झूठी कसम खाया, कुरान की भी झूठी कसम खाया आदिल खान दुर्रानी। आप संयम रखिए, ये राखी सावंत है जिनके ऊपर जो बीत रही है वो ही जान सकती हैं। इनको धोखा मिला है प्यार में, धोखा मिला है शादी और गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में लॉक खुद को मारता है, सर पटकता है, खुद को खरोश देता है, वीडियो बनाता है और कहता है कि मुझे देखिए, मुझे राखी ने मारा, देखिए मुझे राखी ने मारा, मुझे। तो क्या आपने कभी आदिल को मारा? कभी नहीं। आदिल ने आपको मारा? आदिल ने मुझे बहुत मारा, मैंने अपने बचाव में उसको धक्के मारे हैं, मुझे यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है फाइब्रॉइड का, 4.5 महीना हुआ मेरे पास सब है, मुझे यहाँ लात मारी है, यहाँ
कानूनी राखी इस समय पूरी तरह टूटी हुई है और हम सब ये दुआ करेंगे कि अभी भी इनका घर बस जाए। हम नहीं चाहेंगे कि घर टूटे। आदिल, अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या गलतियां की हैं और उस गलतियों को दोहराएं नहीं। आप अभी भी, आपके पास वक्त है, आप आ सकते हैं। मैं और ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। वो लड़की के लिए मुझे मारा।